आपको सीधे राजधानी रायपुर लेकर चलते हैं, जहां बलराम जयंती पर किसान दिवस के मौके पर सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे हैं और सभा को संबोधित कर रहे हैं। हमर सांसद, हमर विधायक, हमर वरिष्ठ जनमन उपस्थित हैं। ऐसे सब के मैं जोहार करत हूं, सब के मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करत हूं। आप सबला सबकर ले पहली भगवान बलराम जयंती के बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये किसान दिवस के बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप मन के बीच में अपने आप के पाकर मोला बहुत अच्छा लगा थे, मैं अपन ला सौभाग्यशाली समझत हूँ। एकर लिए मैं कृषि विभाग के और ये कृषि विश्वविद्यालय के अत्यंत आभारी हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहूँ कृषि विभाग के, हमार मंत्री श्री रामविचार नेताम जी के और एक कृषि विश्वविद्यालय ला, जो भगवान बलराम के जयंती ला किसान दिवस के रूप में मनाए के आज एक अभिनव पहल शुरू करीन है। और निश्चित रूप से 9 सितंबर के भगवान बलराम जयंती ला किसान दिवस के रूप में हमन मनाबो और ऐसे अवसर में हमर प्रदेश के उत्कृष्ट किसान मन पुरस्कृत हो ही, तो एकर एक अच्छा वातावरण निर्मित हो ही पूरे प्रदेश में। हमर किसान भाई मल्ला एकर ले बहुत फायदा हो ही। एकर ले मैं पुनः कृषि विभाग के धन्यवाद करना चाहूँ और आज के अवसर में प्रदेश के हमर किसान भाई बहनी मन जो उत्कृष्ट काम करे हैं कृषि के क्षेत्र में, ओमला हमन यहाँ पुरस्कृत करे हन मंच में, तोमन के भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। ओमन आगे और ऐसे ही काम करें और हमर किसान मन के वो मार्गदर्शक बने, किसान मन के वो प्रेरणा के स्रोत बने। हमर देश में कृषि के प्राचीन काल से ही महत्व है और भगवान बलराम हमर कृषि के ये शिल्पकार हैं, जो हमेशा अपन कंधा में हल ला नांगर ला बोहे रहते और को चलते उमन के नाम हलदर भी पड़ी से। तो प्राचीन काल से ही हमारे देश में कृषि के महत्व है, कृषि प्रधान देश है। आज 70% आबादी यहाँ के कृषि पर आधारित है और आज तरह तरह के प्रयास होते हैं। हमार कृषि वैज्ञानिक मन लगातार अनुसंधान करत हैं और वैज्ञानिक तरीके से भी खेती करे के प्रयास होते, उत्पादन बढ़त है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज फिर से प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के तरफ बढ़त है। और आज एकर बाद में ये पूरा कार्यशाला यहाँ हो ही, गोवंश आधारित खेती, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती ला बढ़ावा देवर। और मैं समझता हूँ कि कार्यशाला निश्चित रूप से कृषि के जगत में विकास के एक मील के पत्थर साबित हो ही, ऐसा मैं समझता हूँ। हमार कुलकर्णी जी बहुत अच्छा विचार रखीन है, हमला वो सब में चिंतन करे के आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि हमन किसान मन बर शुरू से ही चिंतित हन। मैं आज के अवसर में हमर देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री और छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आज के अवसर में धन्यवाद देना चाहूँ। मैं उमन के समय में सांसद के रूप में ये देश के पार्लियामेंट में रहे के सौभाग्य मिलिस।